वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इन स्टॉल। होपफुली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता ही दिया होगा अब तक कि हम करवाने वाले हैं अपनी कार के टायर साइजों को चेंज, चारों के चारों टायर करने वाला हूँ चेंज। कहाँ मैं आया हूँ, कहाँ से मैं हर बार नए टायर डलवाता हूँ, वो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल ही जाएगा। वो क्या है, किसकी है ये, किसकी है ये? पहला रीज़न ये है, बहुत अच्छे रेट पर टायर मुझे मिल रहे थे, अच्छे ऑफर में। अगर मैं इस टाइम पर टायर नहीं खरीदता हूँ, वैसे तो मैं ऑलरेडी खरीदे बैठा हूँ, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था हम तभी खरीदे बैठे थे हमारे भैया से, भैया अभी जा रहे हैं बाद में बात करेंगे उनसे, लेकिन आज वो टाइम है जब मैं एक्चुअली जा रहा हूँ इसके टायर चेंज करवाने। जो मेरे भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि मैं कार में 5% कुछ बढ़ाने जा रहा हूँ, वो क्या है वो आप गैस करके बताओ, जो गैस सही कर लेगा मैं उसका नाम इस वीडियो में लूंगा। तो एज आई प्रॉमिस, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गैस किया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके नाम स्पेशली लेना चाहूंगा वीडियो में। मैंने कहा था दोस्तों 5% बढ़ाने की तैयारी चल रही है, गेस करो क्या, शाउट आउट ऑन वीडियो इफ यू गेस करेक्टली। जिन लोगों ने एटलीस्ट ट्राई करा उन सबको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हन्नी गोसाई, माइलेज, परफॉर्मेंस, टायर साइज, SYR शोएब, इन भाई ने सही गेस किया वैसे बाय द वे, टायर साइज एकदम करेक्ट है। और बाकी कुछ लोग पावर सर, I10, परफॉर्मेंस पता नहीं, टिंट ग्लास बढ़ाओगे, ग्राउंड क्लियरेंस, टिंट, ये क्या है, शाइनिंग, टायर प्रोफाइल रिमैपिंग। तो ये मेरे दूसरे भाई हैं, हैप्पी सागवान नाम है इनका, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट गैस है। परफॉर्मेंस रीमैप, सनरूफ, परफॉर्मेंस ऑफ कार, गाड़ी को लोवर्ड, माइलेज, टीम, हाइट ऑफ कार, व्हील स्पेसर, परफॉर्मेंस रीमैप, इंजन रीमैप, ग्लास टिंट, जेड ब्लैक मर्चेंडाइज, ब्लैक फिल्म ऑन मिरर, सस्पेंशन अपग्रेड, टायर विद। ये एक और भाई जिनका नाम है गौरव, इन्होंने सही गैस किया, 5911 टेक कार्स _ ऑफिशियल, इन भाई ने भी सही गैस करा। फिर है हमारे स्विफ्ट टायर हर्षद यादव, इन्होंने भी सही गैस किया। राइड हाइट आई थिंक इट्स रिलेटेड टू स्मोक और फिल्म, कुछ मैच नहीं हुआ, वेरी कंफ्यूजिंग। न्यू कार, एग्जॉस्ट साउंड, माइलेज, परफॉर्मेंस, शाइन, यूट्यूब सेटअप, माइलेज, टेंट वर्क, स्विफ्ट को अपसाइज करा रहे हो, लेन यार्ड भाई कुछ तो, फॉलोवर, टेंट, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पावर, ब्रेक साइज 5% लो कर रहे हो, लोअरिंग स्प्रिंग्स डाल रहे हो, टेंट, माइलेज, पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज। दोस्तों जिन जिन मेरे भाइयों ने सही गैस किया सबका बहुत शुक्रिया। आज हम इसके अंदर 5% टायर की जो प्रोफाइल है वो बढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी लिमिट 45 पे सेट करी थी, आज इसको बढ़ा के 50 कर रहा हूँ। टायर साइज 215 ही रहेगा, 215, 50, R17 पे जा रहा हूँ। अब पता चलेगा कि टायर कैसे चल रहे हैं, कैसी राइड क्वालिटी है, कैसा कंफर्ट है। 5 साल हो चुके हैं इन टायरों को, इधर भाई कंडीशन देख लो कैसी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं टायरों के अंदर, कहीं टायरों की रबड़ फट रही है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, बहुत तेज गड्ढे में चली जाके निकल जाती है, तो समटाइम टायर की लाइनिंग खराब हो जाती है। तो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जो मुझे फेस हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, टायर पुराना हो रहा था, हल्के हल्के टायर के अंदर क्रैक आ रहे थे, तो ये बहुत बड़ा रीजन था, मैं चाहता था अपने टायरों को चेंज कराना। अब सबसे बड़ी बात, चेंज कराना है तो कहाँ से चेंज कराएं, हर इंसान कंफ्यूज होता है। जो इंसान आपको टायर रिकमेंड कर रहा है, बेच रहा है, क्या बेच रहा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब भी दोस्तों मैं अपने कोई भी नए टायर डलवाता हूँ, I20 हो या I10 हो, कोई भी दूसरी कार हो, इवन वैगनर के भी जब चेंज कराएंगे, इसे कराएंगे भैया सही, सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों मेरे को भैया देते हैं बढ़िया डिस्काउंट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, भले ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, भले ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है मेरे को, ना कोई टायर वायर फ्री में लग रहे। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छे डिस्काउंट पे टायर चाहिए आ जाना। दोस्तों मैंने अपने टायर लॉकडाउन से पहले के भैया के पास अपने रखवा रखे हैं, भैया पैसे पकड़ो, टायर आऊंगा लगवा लूंगा। जो टायर आज हम इसके अंदर डलवा रहे हैं वो नई वाली सिविक के अंदर आता है, उसकी प्रोडक्शन खत्म नहीं हो सकती, तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, भैया से आ जाओ, तब तक आप हमारी कार के खोलते हुए सिनेमैटिक शॉट देख लो टायर निकलते हुए। अपग्रेड किया, जो हमारे टायर की ब्रॉडनेस होती है ना, ओल्ड हमारा टायर फिटमेंट था 215-45 था, टायर की साइडिंग कर्व बहुत ज्यादा बन रही थी, टेपर आ रही थी। जब प्रोफाइलिंग लो होगी, आपके अलॉय व्हील का बेस वो होगा तो वो खींचेगा, तो जब वो खींचेगा तो उसमें क्या होगा, जो अंदर के थ्रेड्स हैं उस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। इफ यू आर रनिंग योर व्हीकल, गाड़ी जब जर्क में जाती है कहीं भी जाती है तो साइड से इंपैक्ट ब्रेक आता है, टायर एयर ले जाता है, कट आ जाता है, काफी बार टायर में हवा निकल जाती है, हवा निकल जाती है, जिससे फिर हम क्या कहते हैं यार टायर सही नहीं है। बट द रीजन बिहाइंड इज, वो टायर की प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसका जो साइड शोल्डर लिया हुआ है
है वो बहुत कम है। फिटमेंट के हिसाब से माइनर ऊपर होना चाहिए, सो डेट की अगर वो कहीं जर्क लेता है कुछ लेता है तो वो इम्पैक्ट अपने पे झेल ले उसको, ना कि उस पे टायर पे आने के बाद वो टायर कट जाए या फूल जाए, तो ये चीज नहीं होगी। विक्रम जी अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो मेरी गाड़ी का जो पहले कंफर्ट था उससे थोड़ा कंफर्ट तो एनहांस होगा ही होगा इन्हें लगाने के बाद। तो बंदे बहुत बुरे ही अपसाइज कर लेते हैं, स्विफ्ट जैसी गाड़ी के अंदर 235-50 डाल लिए, उसके बाद काफी बार लोगों के टकरते हैं, तो जो टकरते हैं उसका रीजन क्या बचता है कि आपका शर्ट का साइज है एक्सल एंड आई एम गिविंग यू एम साइज या एल साइज, आपने किसी तरीके से उसको वियर तो कर लिया, आप अनकंफर्टेबल रहे। हाँ। तो वही चीज है, आपने फिटमेंट तो दे दी बट उसका आगे ड्रॉबैक नहीं नोटिस किया कि क्या आ सकता है। मैं जब टायर को देता हूँ किसी को भी तो उसको पहले एक चीज क्लियरिटी करता हूँ कि भैया इसका एडवांटेज ये आएगा। और जो टकराने की जहां तक बात है, सबसे पहले एक बात होती है आपका इनर डाया ऑफ योर व्हीकल कि क्या वो सपोर्ट करता है। अब आप लगाने को तो इसमें भी आप 215-40-17 भी लगा दो, 225-40-17 भी लगा दो, लास्ट स्टेज वही आएगी ना प्रॉब्लम कि जब भी वो गाड़ी गड्ढे में जाके बजेगी तो टायर पे इंपैक्ट आएगा, टायर खराब होगा। तो राधर देन वो हमें नुकसान पहुंचाने से या कुछ करने से, हम वो स्टेप लेके चले ना जिसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। ऐसा भी मैंने काफी बार देखा है, लोग जाते हैं टायर डलवा लेते हैं फिर मुझे मैसेज करके बोल रहे होते हैं भाई मेरे टायर टकर गए, मैंने ये प्रोफाइल डलवाई है। लोग यूजली क्या करते हैं, जहाँ 215-45 या 50 या 55 जाना था वहाँ 60 या 65 चले जाते हैं कम्फर्ट के लिए। कम्फर्ट के लिए उस सिचुएशन में उन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे, अगर क्योंकि अब तो वो डलवाए बैठे हैं टायर, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखो अब जैसे अगर आपको बताऊँ, कभी भी आप नोटिस कर लेना व्हिच एवर व्हीकल इट इज, बैक पे तो कभी इशू नहीं आता। द रीजन इज क्योंकि कटिंग का इशू नहीं है, ठीक है। मेनली इशू आता है या तो देखो आपसे रिलेटेड टू फ्रंट, और फ्रंट में भी क्या आएगा, आप जब गाड़ी घुमा रहे हैं लेफ्ट या राइट तब ज्यादा पार्ट प्ले होता है, तो उस दौरान में देखो हम थोड़ा सा या तो एक चीज ये कहते हैं जैसे इनर एरिया है तो या तो उसका थोड़ा सा एंगल पीस काट लो सो डेट की वो घूमे, तो क्योंकि टकराता तो देखो उसी में जाके, क्योंकि जब आपकी फेंडर लाइनिंग लगती है और जो वो एरिया गैप होता है उसमें इतना गैप होता है, कभी भी नोटिस करना अगर आप फेंडर लाइनिंग हटाओगे अपने एक फिंगर से पिन अंदर प्रेस करोगे तो उसमें काफी गैप पता चलता है, बहुत होता है। अगर तो हम कईयों को ये सजेशन देते हैं कि भाई या तो देख फेंडर लाइनिंग को हल्का सा कट कर लो, क्योंकि देखो पूरा हटाओगे वो भी एक ड्रॉबैक है क्योंकि कीचड़ उछलेगा बॉडी पे चिपकेगा बॉडी खराब होगी। जब हम कर्व के टाइम पे जहाँ पर वो टच कर रहा है, कैजुअली कोई बंदा अगर आपके अकॉर्डिंग आता है मान लो कहता है मुझे अपसाइज नहीं कराना, ये 13 इंच के टायर मेरी कार के अंदर पुराने डले हुए जो कंपनी से आए हैं, रिम डले हुए ओरिजिनल है राइट, वो चाहता है कि मुझे मेरी कार के थोड़े से टायर बाहर लो जाए लेकिन सेम टायर के अंदर ही हो जाए। जितना मैं जानता हूँ वो ये अपनी टायर का जब हम जेब बढ़ा लेते हैं तो हमारी कार के जो एक्चुअल टायर्स हैं वो इजिली फिट तो हो जाते हैं 13-13 इंच के अगर हैं तो, लेकिन उन्हें चढ़ाते में प्रॉब्लम आती है। आप कहना चाह रहे हो कि मैं यही टायर को ऐसे अलॉय पे चढ़ाऊं कि मेरा अलॉय भी बाहर को निकले, बट उसमें प्रॉब्लम वही सेम क्रिएट होगी जो अभी पहली बात कर रहे थे हम, कि वो टायर को जब आप फिटमेंट में लोगे किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से फिट तो हो जाएगा, बट जब वो एयर गैप लेगा तो वो इतनी ब्रॉडनेस की जगह पे, अब उसको उस एलॉय के फेस के हिसाब से ब्रॉड होना है तो वो इतना ब्रॉड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो अपनी शेप देखो उसका जो अपर लेवल है ब्रॉडनेस का वो इतना है, ठीक है, राइट टायर का, बट एलॉय का इतना है, अब उसको इतना इंच कवर करना है वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो क्या होगा स्ट्रेच होगा और वो आपका डी शेप बनेगा। तो वो डी शेप में उसके 2-3 ड्रॉबैक है, सबसे पहला तो टायर आपका एक तरीके से अनकंफर्टेबल हो गया क्योंकि जब आप उसको रन करोगे तो वो कंफर्ट नहीं देगा जो कि उसको एज पर द ग्रिपिंग बना के ऑन रोड चलना चाहिए, वो खत्म। सेकंड थिंग, जितना आपने टायर को स्ट्रेच किया अंदर के थ्रेड ब्रेक हो सकते हैं, थ्रेड ब्रेक होंगे तो क्या होगा टायर एयर ले जाएगा तो बैलूनिंग बन गई जिसको हम ये कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में टायर कंडी, लोग कहते हैं हमारा टायर फूल गया हमारी गाड़ी बबल कर गई। आपने अगर एक अलॉय व्हील की फिटमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हो, यू मस्ट टेक दैट अलॉय जो आपके एज पर योर टायर ब्रॉडनेस रिकमेंडेड चले, क्यों उसका अपर फेस अगर मान के चलो इतना चौड़ा है नॉर्मली एक टायर साइज लगा रहे हैं तो वो कभी भी कंफर्टेबल जोन नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एटलीस्ट टायर तो बदलना ही पड़ेगा। कंपनी अलॉय में अगर आप ये लगाएंगे इट विल गो गुड, उसका रीजन ये है क्योंकि उसका जो अपर बेस है जो हम बात कर रहे हैं उसका फेस ऊपर का वो ब्रॉड नहीं होता, कभी नोट करना वो अंदर की तरफ फ्लैट रहता है, सेम इक्वलाइज टू देयर नॉर्मल स्टील जो आयरन रिम लाइक स्टील रिम कंपनी देती है एज पर द परफेक्शन ऑफ देयर व्हीकल, ठीक है। कस्टमर ये ना बोले कल को मेरी एवरेज में इशू आया, मेरे को प्रॉब्लम हो गई, मेरा टायर दिक्कत कर रहा है इस अलॉय के कारण ही हो गया, प्रॉपर्ली गाइड करके आरएनडी कर ही इस सिचुएशन में बना के देती है ना कि कार को आप चाहे पहाड़ पे ले जाओ चाहे आप बिल्कुल हिल में ले जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। विक्रम जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब कोई बंदा आपके पास टायर लगवाने आता है कुछ भी नहीं जानता ABCD भी नहीं जानता इन चीजों की, उस सिचुएशन में आप उसे किस तरीके से गाइड करते हो कि भाई आप पहली चीज तो आप उनकी शायद से रिक्वायरमेंट जानते हो कि क्या वो चाहता है, चौड़े करना छोटे करना बड़े करना, चार टायर डाले थे ठीक है जस्ट आपके आने थे हार्डली 5 मिनट पहले, अंकल आए
उन्होंने ये बात करी कि कौन से टायर डालू। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है बिकॉज जो कंज्यूमर है उसको नहीं पता कि मेरा क्या चीज मेरे लिए अच्छी चलेगी, वो तो गाइड करना मेरा ही बनेगा। मैंने उससे पूछा कि अंकल आपकी रनिंग कितनी है, डेली क्या यूसेज में लेते हो, कहाँ पे ट्रेवल ज्यादा है, भाई लोकल है, हाईवे है, या दिल्ली के बाहर ज्यादा जाती है, पहाड़ों में ज्यादा जाती है, क्या चीज। तो अब उन्होंने यही सिंपल बोला, नहीं मेरी तो बिल्कुल सिंपल लोकल रनिंग है, मैं हाईवे वगैरह पे भी नहीं जाता इस गाड़ी को लेके। तो फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि देन यू विल गो फॉर दिस टायर, लाइक आप अपना बजट को भी पहले देखें। हाँ, ये तो सबसे मेजर चीज है, पहले तो बजट ही आता है, ठीक है ना, तो वो सबसे पहली बात है। तो उन्होंने बोला विक्रम यार देख, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 5000 वाला टायर डालना है या 4000 वाला, बट जो मेरी जरूरत पूरी करते मुझे वो चीज चाहिए। मैं कहा जरूरत किस वे में, कि भाई मेरे 4-5 साल मुझे दिक्कत ना दे, गाड़ी भी ठीक चले, ये ना हो कि मैं बार बार टायर में परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप रिक्वायरमेंट जानते हो, रन जानते हो उस बंदे का, अगर उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही, या जितना वो चलाना चाहता है या जो उसका ड्राइविंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हो, राइट? हम आज अपनी कार के अंदर कौन सा टायर डाल रहे हैं, बंदे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसे टायर सजेस्ट करते हो, राइट? क्या उसे चलाना है, कहाँ उसे लेके जाना है, कितना उसका ड्रिवन है, दिन का या मंथली या वीकली, एक टायर की एवरेज एज कितनी होती है? देखो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड विच यू आर टेकन, ब्रांड के अलावा भी एक चीज होती है योर ड्राइविंग, थर्ड योर टाइमली अलाइनमेंट बैलेंसिंग, ये रोल प्ले बहुत बड़ा है, जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, आप जानते हो। एयर प्रेशर जो बंदा कॉन्स्टेंटली करवाता है उसकी गाड़ी का चेकअप देखना एज पर द एवरेज, जो नहीं कराता है उसका देखना, बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ फर्क आता है एज पर योर टायर्स की माइलेज। दोस्तों विक्रम जी की एक सबसे अच्छी बात तो मुझे ये भी लगती है कि जब से मैं इनसे काम करवा रहा हूँ, टायर डलवा रहे हैं हम आके, मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं। यूजुअली क्या होता है, जो भी दुकानदार होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में आपकी अलाइनमेंट या तो करते नहीं है, और करते तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जिसमें कभी कभार लोग आलस मारते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं छोड़ो बाद में करा लेंगे, नहीं हुई प्रॉपर। लेकिन यहाँ पर जब भी आप कभी भी कोई टायर डलवा रहे हो या अलॉयज परचेज कर रहे हो, उस टाइम पर आपकी कार की बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों की दोनों आपको करके मिलेगी। नोजल चेंज करने के चार्ज लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर व्हीकल, कि अगर उसमें सही है तो लड़का आपको क्लियर गाइड कर देगा, इसकी जरूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है द कस्टमर वांट कि मैं नया टायर डला रहा हूं तो आप दस बदल दो। कभी कभार खराब हो जाते हैं, नल की चेंज कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपनी सिचुएशन में भी आज करेंगे। कभी कभार क्या रहता है, मैं अपनी कार को लेके बैठता हूं, जरा सा वॉल्व खराब होने की वजह से हवा निकल जाती है, मैं बैठ के परेशान हो जाता हूं कि मेरे टायर क्यों बैठ गए। किस रेंज से आपके पास टायर की स्टार्टिंग होती है, कंपनी स्टॉक टायर स्टार्टिंग हो जाती है लाइक 2700 से, ठीक है, एज पर टायर, पर टायर की सिंगल टायर, ठीक है, जेके है, सीएट है, गुडियर है, ब्रिस्टोन है, तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे ब्रांड मिल जाते हैं, इंपोर्टेड भी, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं लगवा रहा हूँ वो है एक इंपोर्टेड टायर्स, वो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले टायर्स हैं, मतलब बहुत इजीली नहीं मिलते। विक्रम जी ने भी बहुत मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो टायर अरेंज करवाए, तो अगर आपसे कोई कैसा भी टायर अरेंज करवाना चाहता है सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम, एक चीज रहेगी कि कस्टमर हैव टू गिव मी द टायर। काफी सारे लोग हो सकते हैं ये सोच रहे हो, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इनके साथ बात कर रहा हूँ, तो मे बी इट इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने इन्हें नोट दिए हैं, ये मुझे टायर दे रहे हैं, ये हकीकत है। अगर कुछ नहीं है तो ट्रांजैक्शंस भी दिखा देता हूँ, ये रही। एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि एक अच्छे इंसान को रेकमेंड करना मेरा फर्ज बनता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया, चाहे टायर चेंज करवा रहा हूँ कुछ भी करा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी ऑडियंस इनके पास देखकर आ भी रहे हैं, मिसगाइड ना हो, गलत इंसान के पास ना जाए, क्योंकि आप में से ना करते हुए भी मेरे पास एक महीने में करीब करीब 10 लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मेरे टायर टकर रहे हैं, मैं क्या करूं? जो अच्छा फिटर है पर्टिकुलर व्हीकल के अकॉर्डिंग में क्या फिटमेंट आना चाहिए वो आपको सजेस्ट कर दें। जब से हम विक्रम जी से काम करवा रहे हैं, विक्रम जी ने कभी वो चीज नहीं बोली कि भाई अरे डलवा दो काम करने भेजो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने आज भी मुझे वही टायर रेकमेंड करे हैं जो टायर इसके फिटमेंट में आएंगे, लगेंगे, चलेंगे। विक्रम जी आप इस लाइन के अंदर काफी सालों से हो, बस वो नॉलेज शेयर कर दो लोगों के साथ स्कैम ना हो। टायर से रिलेटेड काफी बार लोग जाते हैं, कोई टायर खरीदने लगते हैं, लोगों को या तो गलत या तो पुराने या फिर ऐसे टायर सर्व कर दिए जाते हैं जो वारंटी ग्रे मार्केट के होते हैं बेसिकली, तो आप ऐसी चीजें भी फेस करते हो, आपके पास कोई कस्टमर आके ऐसी चीजें देते हैं? टायर्स को अगर आपने लाइक पकड़ना है ना कि दे आर ओरिजिनल और नॉट, कहीं से भी जो भी टायर परचेज किया, बिल तो एक कॉमन चीज है, बिल तो मैं भी आपको दे दूंगा ग्रे मार्केट का, कोई फर्क नहीं है। वारंटी चाहे भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे भले वो अनकंडीशनल भी हो, जिससे भी आप परचेज कर रहे हो उससे एक सिंपल सी बात बोलो कि मेरी टायर की वारंटी करा दे। अब जो भी वो वारंटी करा रहा है, लाइक वो अनकंडीशनल है, लाइक वो नॉर्मल है मैन्युफैक्चरिंग,
तो वो ऑन पेपर रिटर्न में हो। जैसे कि अगर आपको मैं अगर अपना एक बिल दिखाता हूँ शेयर करता हूँ, मैंने जो पहले बिल लिया था उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें क्लैरिटी में लिखा हुआ होगा, कभी भी देखना कि 2 ईयर्स अनकंडीशनल, 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग, एक फेयर डील रहनी चाहिए। बिल्कुल, कस्टमर को ये ना लगे कि यार मैंने टायर तो परचेज किया है, क्या ये ओके है, क्या ये पुराना तो नहीं था। द रीजन इज कि अगर मैंने जो आपको टायर दिया अगर वो ओल्ड होगा तो मैं उसकी वारंटी नहीं कराऊंगा। बिल्कुल, पहली बात ग्रे मार्केट का होगा मैं वारंटी नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं उसकी वारंटी कराऊंगा कंपनी में भी तो कंपनी डी कोड मांगेगी, कोड मांगेगी, मैं दूंगा तो वो कोड मैच ही नहीं हो सकता कभी। हाँ, ये तो है। तो वहीं से आप उसको पकड़ सकते हो, एक तो ये हो गया। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, चेसिस टायर बेचते हैं, नई गाड़ी परचेज करी एंड यू सिंपली कम टू मी, आपने बोला विक्रम भाई मैंने क्रेटा परचेज करी है, इसमें 16 इंचेस ओरिजिनल फिटमेंट आई है, बट आई वांट कि मुझे 17 या 18 कर, तो मेरे टायर का क्या प्राइस मिलेगा, आप जो देंगे उसका डिफरेंस क्या रहेगा। अब जो 17 इंची का डोबंदा टायर परचेज करता है, अब आपसे वो उस प्राइस पे तो नहीं लेगा ना। मान लो आपका सपोज उसके अंदर में लग के आया गुडियर का टायर, एक्चुअल कॉस्ट है 5000 रुपए, अब मैं आपसे 5000 में तो परचेज करूंगा नहीं, अदरवाइज अगर 5000 में परचेज करूंगा तो फिर तो मैं कंपनी से परचेज उसकी वैल्यू लगाऊंगा 3,000-3,500 रुपए का, और मैं क्या करूंगा वो आपसे लेकर के उसको चमका चमकू के अगली बार जो भी उस साइज के रिलेटेड बंदा आएगा मैं उसको फिटमेंट दे दूंगा, स्टिकर दोबारा नहीं चिपकता। पर ऐसा भी होता है कि कई कंपनीज के अंदर में समटाइम्स कोई साइज आया उस पे स्टिकर नहीं आता। ये नहीं है कि स्टिकर लग जाएगा तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट हो गया या वो ग्रे मार्केट का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको अभी एक टायर दे रहा हूँ आपकी व्हीकल के लिए, दैट इज फॉर योकोहामा ब्रांड, मैंने आपसे पहले क्या बताया था सर उसमें 1.5 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी है, 2.5 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, टोटल इज फॉर 4 जो आपकी कवर्ड रहेगी, राइट। अंडर 50% अगर उसमें डेप्थ अवेलेबल है तो आपका उसमें जितना एज पर द प्रो डाटा बेस जो कंपनी नॉर्म्स है, दैट यू हैव टू पे एंड यू विल गेट अ न्यू वन। अब वो मैं कैसे आपको दे पाऊंगा जब तक मैं उसकी वारंटी नहीं कराऊंगा, तो मुझे उसके लिए वारंटी कराने पड़ेगी। तो आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास क्लैरिटी आएगी कि हाँ भी ये है। विक्रम जी, एक जो आपने बताया जो कार के साथ आते हैं उनको चमकाकर लोग बेच देते हैं, दूसरा पुराने मैन्युफैक्चरर पीछे के साथ आते हैं, ओल्ड डेट के टायर होते हैं उनको, जिन लोगों को समझना या देखना नहीं आता, क्योंकि टायर के ऊपर जो भी जब भी वो जिस साल और महीने के बनते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ होता है। कि समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे शॉपकीपर की भी गलती नहीं होती, कई प्रोडक्ट या कई साइजेस ऐसे होते हैं जो मोर ओवर आपको वही चाहिए ब्रांड में, बट कंपनी में भी जो अवेलेबिलिटी है, दैट इज ऑफ जैसे 2019 की मैन्युफैक्चर या 2020 की मैन्युफैक्चर, वही मिलती है, वो आई नहीं रही पीछे से, पीछे से नहीं आ रही, राइट। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में इस बार तो चलो फैक्ट्रीज चली या चली भी तो कम चली, ठीक है, लास्ट ईयर का कंपैरिजन करते हो तो फैक्ट्रीज उस हिसाब से रन नहीं हुई, पिछली बार तो और ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, तो जो ओल्ड स्टॉक पड़ा था 2-2 महीने पुराना या 4-4, तो कंपनियों ने भी हमें वही प्रोवाइड करा, हमने भी आपको वही प्रोवाइड किया। बट अच्छा सेलर वो है जो अपना प्रोडक्ट देने से पहले सामने वाले को क्लैरिटी करके दे कि ये 2019 की मैन्युफैक्चर है या 2020 की है, क्यों ये नहीं बोला सिंपली हाँ जी टायर मिल जाएगा, आपको भी नॉलेज नहीं थी, उसने फिट करा आप चले गए, बताना जरूरी है, एटलीस्ट बताना चाहिए। चाहे मैन्युफैक्चरिंग पुरानी है, कंपनी की पीछे से शॉर्टेज या जिद हो सकती है किसी की, मुझे यही टायर चाहिए, यही प्रोफाइल चाहिए, अब वो अरेंजमेंट के ऊपर है ना राय। बिल्कुल, वो जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है ना, ठीक है मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रोल प्ले नहीं करता, उसका कहीं ना कहीं रोल प्ले है, अगर 20 का बना है तो 20 के लिए बना था। कई लोग ये सोचते हैं सर मैं 2019 का टायर ले रहा हूँ तो यार ये खराब है, नहीं होता, टायर की एक लाइफ है। एवरेज टायर कितना चल जाता है, एवरेज टायर एज पर द माइलेज इफ यू आर काउंटिंग मिनिमम ऑन द डिपेंडिंग ऑफ आवर रनिंग अलाइनमेंट बैलेंसिंग सबको ध्यान देते हुए, तो 60 के अराउंड तो आराम से लाइफ है, 60,000 किलोमीटर आराम से। एक्चुअलिटी हमारे इंडिया में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़े से नेग्लिजेंस करते हैं, जिसके कारण हमारा यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यार ये टायर नहीं चला, ये ब्रांड अच्छी नहीं है। अरे ब्रांड अच्छी नहीं है, टायर नहीं चला, कभी ये देखा कि हमने कितना टाइम दिया, कि हमने उसको टाइमली अपडेट किया, मेंटेन करा नहीं करा। चाहे आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, शायद अदर भी होंगे जो ये कहते हैं मिचलिन इज अ वेरी गुड ब्रांड, ब्रिस्टोन इज अ वेरी गुड ब्रांड, योकोहामा इज वेरी गुड ब्रांड, बट अगर आप उनके भी व्यूज देखोगे कहीं ना कहीं जाकर नेगेटिव तो आते हैं, नेगेटिव उनके भी आए होंगे, क्यों इंडियन मेंटालिटी है कि जो चीज हमारी नहीं चली हम उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बारे में वापस अच्छा दोबारा नहीं बोलेंगे, हम 50-60,000 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। आपने मेरे से पूछा एग्जांपल कि विक्रम जी इसकी वारंटी क्या है, सर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है 5 इयर्स, अब आपने पूछा एनी अनकंडीशनल, सर इसमें नहीं आती, क्यों नहीं आती, बिकॉज वो चेसी टायर थे। उसका जो बारकोड होता है ना, लोग सोचते हैं कि शायद आपको मैंने सेल आउट करा, आपको नहीं नॉलेज, अगर मैंने आपको बोल दिया सर इस पे कट की भी है, बट वो जब कंपनी में जाएगा ना वो एक मिनट में बता देते हैं सर ये तो वही फिटमेंट का ब्रांड का था, किसी और गाड़ी का लेके आए हो आप तो उसमें लगा था, उसमें लगा उस बैच का था या उस कंपनी को गया था, अच्छे ऑफर डिस्काउंट जो पॉसिबल उस वक्त होंगे, बिल्कुल कस्टमर वही मेरे को भी मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला इस वक्त। आज जो हम अपनी कार में लगा रहे हैं वो है 215 50R17 योकोहामा एडवन डेसिबल, जिसका स्पीड रेटिंग है 91 V। V स्टैंड फॉर लाइक
200 किलोमीटर पर आर और 240 किलोमीटर पर आर कि हम अगर जो भी उसकी स्पीड रेटिंग वाला टायर परचेज कर रहे हैं एज पर द अपनी व्हीकल के हिसाब से, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर हम कई बार ये देखते हैं कि कोई रूट पे हम गए हैं जैसे कि जमुना एक्सप्रेस और वहाँ पे खाली है रोड एंड वी आर रनिंग आवर व्हीकल, तो हम एक सर्टेन स्पीड पे उसको अच्छे से भगा सके, तो उसमें आपका टायर बस्ट नहीं करता, एक लेवल होता है उसका। और ऐसा भी होता है अगर हम उससे स्पीड रेटिंग कम पे डाल रहे हैं तो टायर बस्ट होते हैं, आपने सुना भी होगा वो, ये बहुत रीजन मैटर करता है। पहले हमारे टाइम में नाइट्रोजन नहीं थी, आज नाइट्रोजन आ गई है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नाइट्रोजन यूज करो, उससे क्या होता है टायर हीटअप नहीं होता। आजकल टायर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं जिनमें सिलिका बेस्ड होता है। सबसे बड़ी बात, सिलिका का एक्चुअल रोल प्ले क्या होता है, वो टायर को हीटअप नहीं होने देता उस लेवल पे जबकि पहले जो हो जाते थे। आपका एक टायर है उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, तो भी अगर हम उसके अंदर में नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो इससे बहुत इफेक्ट आता है, वो हीट नहीं होगा उस लेवल पे, बस्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर वो अपनी एक शेल्फ लाइफ खत्म कर चुका है उसमें ऑयलिंग बिल्कुल नहीं है तो वो टायर हीट होके बस्ट होगा। लॉकडाउन से पहले जो हमने अपने गबरू के अंदर चारों टायर बदलवाए थे उसी दिन मैंने और इन्होंने डिस्कशन कर लिया था कि हमने बिल्लो के भी टायर चेंज करने हैं, तो आज हम टायर चेंज कर ही रहे हैं। विक्रम जी ओपनली बता दीजिए कि हमने क्या 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 पैसे मैंने आपको दिए हैं इन टायरों के लिए। ये टायर एक्चुअल में कॉस्टली टायर है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स 11,000 के नियर अबाउट है। Yes, ये प्रोडक्ट आया था बाय दी कंपनी डिस्काउंटेड, जिसके लिए मैंने सर को क्लियर कमिटमेंट करी थी कि मैं उनको डिस्काउंटेड पे दूंगा। उनके लिए मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट करके चार टायर अरेंज करवा के दिए विच आर ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज 7,250 rupees पर टायर। 50 ट्रांसपेरेंट है देख लो। अब अगर आप ये मेरे से बोले कि विक्रम जी मुझे फिफ्थ टायर चाहिए तो पांचवे टायर की क्या कॉस्ट है, तो वो 11,000 वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। वो तो है ब्रदर कहिए एज अ जो मर्जी कहिए, इनके लिए बहुत अच्छे इंसान है ये, तो क्लैरिटी इन्होंने मुझे जबकि लॉकडाउन में ही एक तरीके से बोलूं तो तंग करना शुरू कर दिया था कि मेरे चार टायर रख लेना, मुझे तो डलवाने हैं और आपसे ही डलवाने हैं। तो मैंने इनके लिए कमिट कर दिया था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपका कमिटमेंट पूरा कर दूंगा, और जो कि आप पूछ सकते हो मैंने करा, और इन्होंने मुझे उसके लिए सीरियसली बिलिंग भी कटवाई, 7,000 पे करे पहले एडवांस, रेस्ट अमाउंट ये आज मुझे देंगे। कहने का मकसद ओवरऑल क्लीन नीट एंड क्लीन ये बात है कि जो प्राइस पे मैंने कमिट किया था मैंने उनको वो प्राइस पे वो चीज डील दी है। आज से 1.5 साल तक कुछ भी होता है वो चेंज हो जाएगा, राइट, कटफट में सेम मैन्युफैक्चरर ऑन द प्रो डाटा बेस, ठीक है, राइट। मैंने इनसे जो बात की थी ना, इन्होंने गिव अप करा अपनी कमिटमेंट पे, ना मैंने कहा था मैं आऊंगा, इन्होंने मुझे बोला कि ये कूपन इतनी तारीख को एक्सपायर हो रहा है, आज बिलिंग करा लो, नहीं कराओगे तो कल मेरे पास मत आना बोलने कि मुझे ये टायर इस प्राइस में चाहिए। पॉसिबल नहीं, बिकॉज़ इट इज गिवन बाय द कंपनी नॉट बाय द मी, क्योंकि टायर्स भी अगर कभी आप शेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो इनके रेट बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत बड़ा रीजन है। तो ये था थोड़ा सा जो हमने आपको बताना था। चलते दोस्तों फटाफट अपने कराते टायरों की फिटिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने अपनी कार के अंदर क्या डिफरेंस पाया, साथ ही साथ स्टैंड अब कैसा हो गया हमारी कार के टायरों का। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my... up when I act, head up, that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on. इसी के साथ ही दोस्तों अलाइनमेंट भी डन है हमारी कार की, बैलेंसिंग हो चुकी है, कॉर्नरिंग काट के हमने देख लिया है कार टकर रही है नहीं टकर रही है। अगर आपको इवन एलॉय व्हील्स भी चाहिए हो तो सारे ही साइजेस के ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, राइट। आप कोई भी एलॉयस प्लान कर रहे हो आकर सजेशन भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, 17-18 inch जो भी चाहिए बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। तो अच्छी बात तो ये मेरे एलॉयस अच्छे थे, मुझे कोई इशू नहीं था इनसे। इस सब के साथ हमारी कार चलेगी अब ट्रायल पर, चल कर देखते हैं, चलाते अपनी कार फिर बताते आपको कैसी लग रही है। फिलहाल अभी हम दोस्तों चेक कर रहे हैं कार को, बढ़िया ढंग से दौड़ा दौड़ा के भागा भागा के कहीं कोई अलाइनमेंट टेढ़ी मेढ़ी ना हो। भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं और भैया ही ड्राइव करके देख रहे हैं दरअसल कैसी चल रही है कार, कोई ऐसी वैसी से सच प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फोन नंबर भी है मेरा 9999। सीरियल नंबर बोलियो। एक ओटीपी आ गया 9734। इधर आ गया दोस्तों योकोहामा के एप्लीकेशन पे वारंटी रजिस्टर्ड, यहाँ आ गया मेरे पास मैसेज परचेज फ्रॉम नगिया टायर जंक्शन वारंटी रजिस्टर्ड नंबर ये हिट द मैसेज कंडीशन। इसके साथ ही ये रहा इनवॉइस, आपको बची हुई पेमेंट देनी है। वो टायर का कॉस्ट था 29,000, एडवांस पेमेंट थी 7,000
22,000 हमारा बैलेंस अमाउंट हो गया। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा इसमें यूज हुआ है दैट इज नट्स, एल्की नट्स जो 780 के आते हैं सेट ऑफ फोर, और साथ में हमारे जो है चार नोजल जो क्रोम वाली डली है डेट इज 150 पर पीस डेट इज 600, तो 1380 इसको एड ऑन करके प्लस 22,000 द टोटल अमाउंट विच यू हैव टू पे 23,380 23,380 राइट। कैसा लगा टायर चला वो पता क्या हो रहा होगा कि मुझे लग रहा है लास्ट टाइम आपने उसी से भेजे थे ना, देखो आगे 20,000 ये गए भैया को, 3,000 कैश और बाकी के 7,000 ऑलरेडी पेड इन एडवांस। ये थी दोस्तों हमारी वीडियो आज अपनी बिल्लो के टायरों को चेंज कराते हुए, और जब मैंने एक्चुअली में अब चला कर देखी है कार को तो जो पहले रोड पर खटर खटर पटर पटर आवाजें आती थी, जो मिसकंफर्ट मुझे महसूस होता था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वो मुझे महसूस नहीं हुआ। अब एक्चुअली में लग रहा है मैं जैसे कोई सेडान कार चलाते ना, वो मजा आ रहा है। आज की वीडियो अगर आपको करवानी हो अपनी कार के टायर चेंज अलॉयज चेंज तो आ सकते हैं नांगिया टायर जंक्शन नियर जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 552। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9971270271। फॉर फर्दर डिटेल्स यू मे कॉन्टेक्ट टू शाहरुख। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल हो आने से पहले भी उससे भी इंस्टाग्राम पे टच में आके पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा खुला ही है और सर फोन उठाई देंगे। अगर आपको डायरेक्ट आकर भी काम करवाना हो तो सर्विस बहुत फास्ट है। जनरली हमारी कार में खोलते खोलते कुछ शेड खराब हो गए थे, उसकी वजह से उसे खोलते खोलते काफी टाइम लगा, लेकिन वो काम भी करवा दिया इन्होंने। ये जानते इन्होंने कैसे करवाया, बहुत बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम था, उसकी वजह से कार में आवाजें आती है। एंड द मेन थिंग इज कि जो हमारी प्रॉब्लम पहले फेस हो रही थी रिगार्डिंग द टायर्स एंड वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी एज पर दिस साइज। ऐसी वैसी बात नहीं है, प्रॉपर रोड पर भागकर देखी कार और गड्ढों में कुदाकर देखी लगे नहीं। तो यही था, सही इंसान के पास आते हो सही तरीके से आप साइज करवा सकते हो। प्रॉपर फिटर ऑलवेज गिव अ गुड चॉइस। विद दिस सेट दोस्तों करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। आप तो अरे बिल्लो के पुराने जो जितने भी टायर थे, चार उंगली का पूरा गैप है जितना मैंने आपको बताया था। आगे की भी बात करूं, चार उंगली का पूरा गैप है। रोड नॉइस आया करती थी जो मुझे इरिटेट किया करती थी, मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मेरी स्विफ्ट को ओमनी वाला फील दिलाती थी, बिल्कुल ऐसे लगता था कि गाड़ी कमानी पे चल रही है। वो इशू बिल्कुल खत्म है भाई, बहुत प्यारा प्रोफाइल डाला है। पहले और अब की बात करूं, टायर सिर्फ ऊंचे ही नहीं थोड़े थोड़े चौड़े भी हो गए हैं। बहुत मजा आ रहा है, कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेटर हो गया है, बहुत मुझे कम्फर्ट इतना है जिसकी कोई हद नहीं।